देख रहे हैं ना, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में। आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने मांग की कि बैकलॉग लगे, छात्रों को सातवें सेमेस्टर में एडमिशन दी जाए, नहीं तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का प्रताड़न बंद करो। यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों को प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को प्रताड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट एडमिशन, 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 वी वांट एडमिशन। यूनिवर्सिटी होश में आओ, वी वांट जस्टिस, वी वांट नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और RTSL में, और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो कैंडिडेट्स हैं अभी कुछ इनको इनकी ये प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट्स का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में उन्होंने एडमिशन ली थी आज से 3 साल पहले, और तब उनको ये बताया गया था कि आपका कैरी ऑन सिस्टम रहेगा जैसा कि हर एक इंटीग्रेटेड कोर्स में होता है। मैं खुद 5 ईयर लॉ में हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरा भी इंटीग्रेटेड कोर्स है और मुझे कैरी ऑन सिस्टम मिलता है। लेकिन आज जब इनकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा इनके साथ एक मजाक किया जा रहा है, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और बच्चों को ये कहा जा रहा है कि जिसकी 6ठे सेमेस्टर में या उससे पहले किसी एक भी बैकलॉग है उसको 7वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दी जाएगी, और इसकी वजह से बच्चों का पूरा 1 साल वेस्ट होगा। और ये नोटिफिकेशन कब निकालते हैं, जब पूरा देश एक त्रासदी से लड़ रहा था, COVID-19 जैसी भयानक बीमारी से लड़ रहा था। जून के महीने में पिछले दरवाजे से एक नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा, और बच्चों को कहा जाता है कि आप लोगों को पहले आप अपने पिछले सब्जेक्ट क्लियर करिए और फिर आप यहाँ पर आके एडमिशन लीजिए। मैं आपको ये आपके माध्यम से इनको ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेमोरेंडम्स का तो जवाब देते नहीं है, इसलिए आज हमने आपका माध्यम चुना है कि आपके माध्यम से हो सकता है ये हमारी बात को सुन लें। हमने परसों भी मेमोरेंडम दिया था, हमने इनको पूछा था कि मसला क्या है। VC सर की यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात हुई, VC सर कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम एक एप्लीकेशन या एक मेमोरेंडम टू VC करके देते हैं, हमें वहाँ पर रिसीविंग मिल जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन VC सर पढ़ते क्यों नहीं उन चीज़ों को। छात्रों को कहा जा रहा है कि आप लोगों का 1 साल हम लोग तब जब तक एडमिशन नहीं देंगे तब तक आप अपने सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी महामारी में आप लोग बच्चों के साथ मजाक कर रहे हो। जब हमारे एडमिशन होती है, मैं आपको एक चीज़ बताना, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट की एडमिशन होती है तो स्टूडेंट्स को एडमिशन में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स, और तब टर्म्स एंड कंडीशन सारी प्रॉस्पेक्टस में बताई जाती हैं। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच है, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी। और हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसा ही दोहरा रवैया यूनिवर्सिटी का चलता रहा, हम लोग आने वाले दिनों में, हमें कोई शौक नहीं है इतनी ठंड में महामारी के वक्त में प्रोटेस्ट बाहर निकलने की, लेकिन ये हमें मजबूर करते हैं, इनकी तानाशाही रवैया है, छात्रों से बात नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूँ इन छात्रों को जल्द से जल्द एडमिशन दी जाए, क्योंकि इनका हक है। अगर नहीं देते, आने वाले दिनों में हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे जब इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सामने फिर छात्र अपनी ताकत दिखाएंगे कि छात्रों की जब अपने पे आते हैं तो क्या होता है फिर। धन्यवाद।